हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग के बारे में। सी के पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने हिस्ट्री ऑफ सी के ऊपर डिस्कशन की थी, हमें सी सीखनी क्यों चाहिए वो देखा था, और सी एज एन इंटरफेस कैसे काम करता है ये देखा था। लेकिन जब तक हम किसी चीज़ को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं कर लेते, डेली लाइफ के साथ, तब तक वो चीज़ हमें सीखने में मज़ा नहीं आता। तो सी प्रोग्रामिंग हमारे रियल लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट होती है वो देख लेते हैं। तो देखते हैं यूजेस ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज़ वाइडली यूज इन एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे कि डीवीडी प्लेयर्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, वॉशिंग मशीन्स, हमारे ओवन्स, ये सब। इट इज़ यूज फॉर डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशंस। सिस्टम एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं कि एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट, काफ़ी सारे ब्राउजर्स भी आ जाते हैं, फायरफॉक्स, क्रोम। और कहाँ, इट इज़ वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन बाय एडोब आर डेवलप्ड यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एडोब की जो एप्लीकेशंस हैं वो भी हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखी गई है। MySQL is the most popular database software which is built in C. Operating systems such as Apple OS X, Microsoft's Windows, and Symbian are developed using C language. It is used for compiler production. It is widely used in IoT applications. तो ये थे uses of C language. अब आगे बढ़ते हैं introduction to C. आज के इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक सिंटेक्स ऑफ प्रोग्राम, व्हाट इज वेरिएबल, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन, अबाउट डेटा टाइप्स, और एंड में एक प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आता है बेसिक सिंटेक्स। हम कोई भी प्रोग्राम रन करेंगे तो उसमें आपको ये बेसिक सिंटेक्स हर जगह देखने को मिल जाएगा। ये सिंटेक्स अभी तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम इन पे बात करते हैं। हैश इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच, ये लाइन बेसिकली आपको क्या बोल रही है कि आपको ये चीज़ इंक्लूड करनी है। ये है क्या चीज़, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये हेडर फाइल बेसिकली इनबिल्ट फाइल होती है जो किसी ने हमारे लिए बना के रखी होती है ताकि हमारा काम ईजी हो जाए। ये फाइल का काम क्या होता है कि आप कुछ भी इनपुट दो और ये आपका इनपुट जो आपने दिया है उसकी इंस्ट्रक्शंस रीड करके आपका आउटपुट प्रिंट करवा दे स्क्रीन के ऊपर। ऐसी काफ़ी सारी इनबिल्ट फाइल्स होती हैं जैसे कि स्ट्रिंग डॉट एच, मैथ डॉट एच, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे है इंट मेन। ये आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा फंक्शन है। मेन के आगे ये ब्रैकेट्स के अंदर आप एक अपना कोड लिखते हो, सारी इंस्ट्रक्शंस आप इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो। ये प्रॉपर एक पूरा फंक्शन है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का काम होता है कोड को एग्जीक्यूट करना। मेन फंक्शन के बिना आपको एरर शो होगा, जैसे कि इस केस में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। प्रिंट एफ एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है जो जिसका काम होता है कि आप जो भी इसके अंदर लिखो उसको प्रिंट करवाना, जैसे आपकी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। रिटर्न जीरो, ये प्रोग्राम को एंड करने के लिए होता है, ये नेसेसरी नहीं होता। मैं आपको अब ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ। तो चलिए आज हम बना के देखते हैं हमारे सी का पहला प्रोग्राम। कंट्रोल एंड करके मैंने एक नई फाइल बना ली। मैं आज सी का पहला कोड लिख रही हूँ। हैश इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच, मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की, इंट मेन फंक्शन ओपन किया और मैंने प्रिंट करवाना है माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो हर स्टेटमेंट को जो भी आप इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे ना, आपको उसको सेमी कॉलन से एंड करना ज़रूरी है, उसके बिना एरर आपको शो होगा, रिटर्न जीरो। अब इसको मैं सेव कर लेती हूँ। हेलो डॉट सी नाम से मैंने इसको सेव कर लिया।
और चलिए रन करके देखते हैं। यहाँ पे आपको एक कंपाइल का ऑप्शन दिखेगा और एक कंपाइल एंड रन का। मैं कंपाइल एंड रन दोनों साथ में करती हूँ। तो कंपाइलेशन एरर 0, वार्निंग 0, ये रहा हमारा आउटपुट। देखिए माय फर्स्ट प्रोग्राम आपका प्रिंट होके आ गया है। अगर मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया और मैं इसको कंपाइल एंड रन करके देख रही हूँ, तो देखिए आपका यहाँ पे एरर शो हो गया और एरर में लिखा भी आ रहा है कि एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न। तो आपको हर एक स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से एंड करना है। और अगर मैं मेन फंक्शन ना लिखूं, बिना इसके प्रोग्राम को चला के देखूं, तो यहाँ पे देखिए फिर से एरर शो हो गया। तो आपको इंट मेन फंक्शन हर एक कोड में इंक्लूड करना ही है, क्योंकि इसके बिना आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी। तो अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। व्हाट इज अ वेरिएबल? दीज आर द नेम्स गिवन टू द मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी लोकेशंस क्या होते हैं? ये काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है। इसके ऊपर मैं आपको एक अलग वीडियो तैयार करके दूंगी कि मेमोरी लोकेशंस होते क्या हैं, ये कितना डेटा स्टोर करते हैं, किस वे में डेटा अरेंज होता है मेमोरी सेल्स में। तो बस आप अभी के लिए इतना जान लीजिए कि मेमोरी लोकेशंस कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टोरेज सेल्स। ये काफ़ी सेल्स से मिलके बना होता है। जैसे कि ये मेरा एक मेमोरी ब्लॉक है। अब आप मान लीजिए कि आपने कुछ डेटा भेजा है, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, लेकिन अगर आपको उस डेटा को एसेस करवाना है तो आप कैसे करवाएंगे? ऑफ कोर्स आपको उनकी लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो इनको कुछ एड्रेसेस असाइन होते हैं। जैसे पहले ब्लॉक को हमने 4763 एड्रेस दे दिया, दूसरे को 4767, ये ऐसे चलते जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये रैंडम कैसे एड्रेसेस दे दिए, ये 4-4 के गैप में कैसे आ रहे हैं? ये आपको मैं आगे बताऊंगी कि ये एड्रेसेस कैसे असाइंड हुए हैं। तो बेसिकली अब आप ये देख लीजिए कि अगर आपको डेटा को असेस करवाना है तो आपको उसको एक नाम देना पड़ेगा। जैसे 10 को मैंने नंबर 1 नाम दे दिया और 20 को नंबर 2 में स्टोर करवा दिया। तो आपको अभी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी वेरिएबल्स की, कि दीज आर द नेम्स गिवन टू द मेमोरी लोकेशंस। दीज आर द नेम्स गिवन टू द मेमोरी लोकेशंस। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल्स हैं। अब तक हमने देख लिया था कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, अभी इनको कैसे डिक्लेयर करना है वो देख लेते हैं। ये आपका सिंटेक्स है। पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम, फिर सेमी कॉलन। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इंट ए, फ्लोट एक्स, डबल वाई। ये इंट, फ्लोट, डबल, ये आपके डेटा टाइप्स हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये डेटा टाइप्स होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स के बारे में। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? एंड आइडेंटिफायर इज नथिंग बट अ नेम असाइन टू एन एलिमेंट इन अ प्रोग्राम। इट इज अ यूजर डिफाइंड वर्ड। जैसे कि पीछे हमने देखा था इंट ए, फ्लोट एक्स, वैसे ही मैंने इंट फर्स्ट नेम एक वेरिएबल का नाम ले लिया, कैर एक्स, फ्लोट परसेंटेज। ये आपके फर्स्ट नेम एक्स, परसेंटेज, इनको जो आप वेरिएबल्स असाइन करते हैं, इनको असाइन करने का भी एक तरीका होता है। कुछ रूल्स होते हैं कि आपको वेरिएबल इसी तरह असाइन करने हैं। सम रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। योर वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। मान लो आपने एक वेरिएबल लिया फर्स्ट, एफ उसका लोअर केस में है, और आपने एक वेरिएबल लिया कैपिटल एफ। दोनों वेरिएबल्स अलग वेरिएबल्स हैं, ये हम इनको सेम नहीं मान सकते, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अगला रूल है योर कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। हमने देखा था कि ये इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये सब कीवर्ड्स हैं, ये सब डेटा टाइप्स हैं। प्रिंट एफ हो गया, मेन फंक्शन हो गया, ये कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने इंट फ्लोट लिख दिया तो आपको ये एरर शो होगा, क्योंकि फ्लोट एक डेटा टाइप का नाम है, उसको आप एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते।
Your identifier name must start with an alphabet और underscore. अब आपने देखा था कि आप हर एक वेरिएबल को एक अल्फाबेट से स्टार्ट कर रहे थे. अगर आप इसको अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे तो भी आपका वेरिएबल नेम ठीक माना जाएगा. लेकिन अगर आप मान लो आपने किसी नंबर से स्टार्ट कर दिया या फिर किसी और करेक्टर से स्टार्ट कर दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा. तो ये आपका गलत है. वन नेम अंडरस्कोर रोल, ये आपका गलत है. अगला रूल है, योर वेरिएबल नेम कैन हैव एनी साइज बट कंपाइलर विल रीड फर्स्ट 31, दैट इज फ्रॉम 0 to 31. जो आप नेम आपका वेरिएबल का नाम देते हो वो आपका साइज कितने मर्जी साइज का हो सकता है, लेकिन जो कंपाइलर है आपका वो सिर्फ फर्स्ट 31 करेक्टर्स, पहला करेक्टर 0 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट 31 करेक्टर्स को ही रीड करेगा, उसके आगे के करेक्टर्स को वो देखेगा भी नहीं. अगला रूल है, यू कैन नॉट यूज सक्सेसिव अंडरस्कोर्स व्हाइल असाइनिंग अ वेरिएबल. मान लो मैंने ले लिया इंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स, तो वो गलत होगा. ठीक है, तो आप सक्सेसिव अंडरस्कोर्स नहीं यूज कर सकते. एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन यू कैन नॉट यूज एनी अदर करेक्टर व्हाइल असाइनिंग. ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि आप अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन के बिना कोई और करेक्टर नहीं यूज कर सकते. आप हैश नहीं यूज कर सकते, आप एक्सक्लेमेशन नहीं यूज कर सकते व्हाइल असाइनिंग अ वेरिएबल. तो ये सब थे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स. ये ध्यान में रखने काफ़ी ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमारे बेसिक्स हैं. आगे हम पढ़ते हैं डेटा टाइप्स के बारे में. हम बार बार यूज़ तो कर रहे हैं कि इंट फ्लोट कैर, लेकिन ये सब है क्या? ये सब आपकी डेटा टाइप्स हैं. आप इनके अलावा और भी काफ़ी सारी डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. डेटा टाइप्स मेनली तीन तरह की होती हैं, प्रिमिटिव टाइप, डिराइव टाइप, यूजर डिफाइंड टाइप. प्रिमिटिव तो आपने अभी देखा कि कैर इंट फ्लोट डबल वॉइड, ये सब आपकी प्रिमिटिव में आ जाती हैं. कुछ और साइंड और अनसाइंड से हम डेटा टाइप्स डिराइव कर सकते हैं. इनके बारे में भी हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं इनको आगे देखेंगे. और कुछ होती हैं आपकी यूजर डिफाइंड, जैसे एरे स्ट्रक्ट यूनियन एनम, ये सब आपकी यूजर डिफाइंड होती हैं. जो यूजर होता है वो खुद इन डेटा टाइप्स को क्रिएट करता है. ये सारी प्री डिफाइंड होती हैं, प्रिमिटिव होती हैं. मान लो जैसे कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स, तो जो एक्स है वो एक इंट टाइप का वेरिएबल है, उसमें सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हो, आप कोई करेक्टर्स वगैरह नहीं स्टोर कर सकते. तो एक्स में आप 23, 47 ये इंटीजर्स स्टोर कर सकते हो. लेकिन अगर आपने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 123 स्पेस 34, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें स्पेस इंक्लूड हो गया. स्पेस को बेसिकली हम एक करेक्टर में इंक्लूड करते हैं. उसके बाद 123 कॉमा 65, कॉमा भी एक करेक्टर है, तो ये भी आपका गलत होगा. तो अगर आपने कोई इंट टाइप का वेरिएबल लिया है तो उसमें आप सिर्फ इंटीजर्स ही डाल सकते हो, कोई और वैल्यू नहीं असाइन कर सकते उसको आप. आगे है फ्लोट. फ्लोट में बेसिकली डेसिमल वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, आप इसमें इंटीजर्स भी ले सकते हो. मान लो जैसे मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ, एक एग्जांपल लेके देखते हैं. हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन. यहाँ पे अब मैं फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल लूंगी फ्लोट एक्स. एक्स के अंदर मैंने डाल दिया 3. अब मैं इसको एक्स को प्रिंट करवाना चाहती हूँ. ये परसेंट एफ ये क्या चीज़ है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. मैंने इसको प्रिंट करवाया, इसको सेव कर लेती हूँ. तो आपने देखा कि आपने एक्स में तो 3 डाला था, लेकिन ये प्रिंट होके आ रहा है हमारे पास 3.000 समथिंग. ये क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्लोट सिर्फ डेसिमल वैल्यूज ही प्रिंट करता है. अगर आपने एक्स को एक फ्लोट डेटा टाइप लिया है तो वो डेसिमल्स में ही प्रिंट होके आएगा. ठीक है, तो ये था फ्लोट. अब बात करते हैं करेक्टर्स की.
करेक्टर जब भी आप लेते हो, कैर एक्स इज इक्वल टू कोई भी करेक्टर अगर लेते हो तो उसको हमेशा आपने सिंगल कोट्स में डालना है, जैसे जेड वन हैश, ये मैंने सिंगल कोट्स में डाले हुए हैं। अगर आप लोगे कि 2.3 तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें एक करेक्टर नहीं है। कंडीशन होनी चाहिए कि इट शुड कंटेन ओनली सिंगल करेक्टर, ठीक है? तो सिंगल कोट्स में आप सिर्फ एक करेक्टर ही ले सकते हो। अगर आपको एक स्ट्रिंग भेजनी है तो स्ट्रिंग भेजते टाइम आपको उसको डबल कोट्स। तो एंड में मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ ओवरऑल व्यू देने के लिए कि आज आपने क्या क्या सीखा। हैश इंक्लूड, हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की, मैंने मेन फंक्शन ओपन किया जिसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स लूँगी, इंट एक्स इज इक्वल टू 23। आपने देखा यहाँ पे कि मैंने एक्स इज इक्वल टू 23, अगर आपको वेरिएबल असाइन करना है तो आप यहाँ पे भी असाइन कर सकते हो। दूसरा मैंने लिया फ्लोट वाई इज इक्वल टू 34.3, कैर नाम का वेरिएबल लिया, इसमें मैंने डाल दिया जी। तो इनको प्रिंट करवा लेते हैं, परसेंट डी फॉर इंटीजर टाइप। लाइन ब्रेक के लिए, अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो स्लैश एन यूज होता है उसके लिए। फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए परसेंट एफ, और करेक्टर के लिए परसेंट सी। ये प्लेस होल्डर्स के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। एक्स वाई सेट, तो इसको सेव कर लेते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, आपने सबसे पहले x प्रिंट करवाया तो x में 23 था, 23 आपका प्रिंट हो गया। y आपका फ्लोट वेरिएबल था जिसमें आपने 34.3 डाला था, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 34.299। ये आपने डाला तो 34.3 था, तो ये 299 क्यों प्रिंट हुआ? ये बेसिकली 6 डेसिमल वैल्यू तक प्रिंट करवाता ही करवाता है, तो इसने 2.299 प्रिंट करवा दिया। आगे है हमारा कैर जेड इज इक्वल टू जी, तो जी आपका प्रिंट हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने पहले तो सिंटेक्स के बारे में पढ़ा कि बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, फिर डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं ये पढ़ा। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। थैंक यू।